अच्छा बुरहान साहब, शख्सियत मर्द? जी बिल्कुल। जिंदा? नहीं जी। ताल्लुक एशिया से? नहीं जी। यूरोप से? जी। यूरोप है तो गोया मेनलैंड यूरोप? मेनलैंड जी, यूरोप से ताल्लुक नहीं है उनका। मेनलैंड से नहीं है तो गोया बर्तानिया से, ये आप कहना चाह रहे ना? जी। एक बरतानवी जो जिंदा नहीं है, वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है, इल्म फजल है, ये दो चीजें। या व्हेन डिड ही डाई? चलिए, उनकी वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं जी, 50 नहीं हुए। ऑलमोस्ट 50 इयर्स, दैट मींस अराउंड 72। Bertrand Russell died around that period, 1970. We have done Bertrand Russell. You have done? जी। Yes. हाँ। Showbiz, music. Music का बड़ा वो peak था 70s. John Lennon. But he died later. अच्छा जी, ताल्लुक showbiz से है? नहीं जी। सियासत और हुकूमत से? No. इल्म व फजल से? Yeah. इल्म व फजल से, some नॉवलिस्ट, सम राइटर, कोई फलसफी भी हो सकता है। फलसफी ज्यादातर जर्मन्स थे, ज्यादातर। ये कोई लिटरेचर लिखने वाला, कोई नॉवल निगार, कोई शायर, कोई मशहूर नसर निगार थे, यानी प्रोज राइटर थे कोई? मशहूर नहीं थे ज्यादा इस मामले में, यानी इल्म और फजल से ताल्लुक था और उनकी राइटिंग्स उनकी वजह शोहरत नहीं थी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग बुरहान साहब? नहीं, राइटिंग्स नहीं, जो उनकी प्रोज की आप बात कर रहे हैं वो पोइट्री में उनकी वजह शोहरत नहीं थी उनके लिए। नसर निगार, सर उनको बता दीजिए नसर निगारी से आपका क्या मुराद? नसर निगार होता है नॉवलिस्ट। जी जी, नॉवलिस्ट। तो फिर नसर निगारी का बुरहान साहब यू शुड बी नोइंग। नहीं, वो नॉवलिस्ट ही थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यार, व्हेन डिड जॉर्ज ऑरवेल डाई? जॉर्ज ऑरवेल, उनका एक नावल तो है 1984, बट ही डाइड अर्लियर, लॉन्ग टाइम हो चुका है। जॉर्ज ऑरवेल नहीं हुआ, उसका तस्करा होता रहा। हो चुका है सर, जॉर्ज ऑरवेल। डी एच लॉरेंस है, मॉडर्न टाइम्स का। वो तो शर्लक होम्स का राइटर हो सकता है, आर्थर कैनन डॉयल, इयान फ्लेमिंग हो सकता है, इयान फ्लेमिंग, आर्थर कैनन डॉयल, ये दो बड़े नाम हैं जो इस दौरान। When did Bernard Shaw die? Bernard Shaw हो चुका है। हो गया। Okay. उसका पीरियड भी, E.M. Foster भी हो चुका है बाय द वे। इसीलिए मैं जल्दी नैरो डाउन कर रहा हूँ क्योंकि वो हो चुके हैं। वजह शोहरत थ्रिलर्स हैं, जस्ट स्पाई थ्रिलर्स लिखते हैं? नहीं। बाकी तो सारे विक्टोरियन एज के तो बहुत पहले अब गए थे, हार्डी क्या और डिकेंस क्या। स्पाई थ्रिलर्स में तो वो लिकार भी है। लिकार इज गुड। कैन फॉले तो थ्रिलर्स लिखता है। फ्रेडरिक फोरसाइट थ्रिलर्स लिखता है। ये सारे बड़े राइटर्स जो है ना, उन्होंने एक साइड पे कर दिए। 11 सवाल। राइटर है जो रॉबर्ट लुई स्टीवनसन, तो बहुत पुराना, बहुत पहले का, ट्रेजर आइलैंड वन। या कौन सा नॉवलिस्ट जो थ्रिलर्स नहीं लिखता था? और दूसरा ये कि उसका क्या नाम है वो जो, या मेरे जेन से निकल गया है, कमाल है, इसने टारजान लिखी है, टारजान सीरीज, क्या नाम है इनकी? अच्छा हाँ, वो भी एक, यार वो भी एक है, ओहो यार वो अनदर गाय जो बहुत मशहूर राइटर है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जिसकी स्टोरीज हैं, ट्रिलॉजी है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, यू डोंट रिमेम्बर? स्टोन समथिंग? नो, ये गोल्डिंग जिस तरह ना, रिंग गोल्डिंग समथिंग लाइक दैट। एक बड़ी मशहूर ट्रिलॉजी इसकी स्टोरीज पे बनी है जी। क्यों भैया? जी जी, वेलकम। तो फिर हम पहुंच तो वहां पे गए हैं सर, वो टॉल्किन नाम है कुछ। हाँ, आपने जनाब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के राइटर और हॉबिट का राइटर टॉल्किन पूछा है। जे टॉल्किन।